हेलो एवरीवन एंड वेलकम एक्सेल लेक्चर नंबर 29 एंड आज का हमारा टॉपिक है नंबर फॉर्मेट इन एक्सेल। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक को। हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ये है नंबर फॉर्मेट की, मैंने एक वर्ब क्रिएट की है। सो नंबर फॉर्मेट क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज मेरे पास कुछ सेल्स में मैं नंबर्स लिख रहा हूँ एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए हैं आपके सामने एक्सेल में एज इट इज। एंड ये जो नंबर्स हैं अभी अगर आप देखें इसको, तो इसका जो फॉर्मेट है वो है जनरल। इसका मतलब ये है कि जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये एज इट इज़ ही मुझे शो किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनको प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में लाया जाए तो एक्सेल इसके लिए आपको अलाउ करता है आप सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लें जहाँ तक आपके सेल्स नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे है जनरल, इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर फॉर्मेट सेकेंड नंबर पे जो आपको मिल रहा है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो मेरे ये जितने भी सेल्स हैं ये सब के सब नंबर फॉर्मेट में चेंज हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सेल का नंबर फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। नंबर फॉर्मेट में आपके पास जो आपका एक्चुअल नंबर था उसके साथ डेसिमल और फिर यहाँ पे टू जीरोस भी आपको मिल रहे हैं सब नंबर्स में। ये एक्सेल का डिफॉल्ट स्टाइल है नंबर फॉर्मेट के लिए। अगर आप इस नंबर स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास और वो है कंट्रोल प्लस वन। आप इसको प्रेस कीजिएगा कंट्रोल वन और यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स आ गया है जिसमें सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है नंबर और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा सैम्पल डेट वॉज 1234 जो कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी और 0.00 क्योंकि यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं वो आप देख लेते हैं, जैसे डेसिमल प्लेसेस आपको कितनी रिक्वायर्ड है। अगर आपको 2 रिक्वायर्ड नहीं है 1 रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें और आप ऊपर सैम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.0 आ चुका है। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो हमारा जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है सिंगल जीरो के साथ, अब यहाँ पे हमारा नंबर आ रहा है। कंट्रोल वन करते हैं। इसी तरह अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ तो अभी मैं 3 जीरोस का मैंने किया था डेसिमल के बाद तो यहाँ पे 3 जीरोस जो हैं वो आ रहे हैं। सो ये आपके ऊपर है कि आप कितना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे यूज 1000 सेपरेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज हैं जो कि थाउजेंड्स में गई हैं और आप चाहते हैं कि इसका कॉमा भी साथ में आ जाए तो हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। तो नंबर फॉर्मेट में अब जो आपको सैंपल नज़र आ रहा है वो है 1,2,3,4। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे 1000 वैल्यूज थी वो सब के साथ कॉमा के साथ अब प्रेजेंट होने लगी है जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे मेरे पास एक नेगेटिव नंबर आ ही रहा है तो वो आपसे कह रहा है कि आप किस तरीके से इसको शो करना चाहते हैं। राइट नाउ हमारा जो ऑप्शन सेलेक्ट है वो है -1,2,3,4.10। इस तरीके से हमारा एक नेगेटिव नंबर जो है अभी शो किया जा रहा है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको रेड कलर में शो किया जाए तो मैं इसको ये वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ नेगेटिव नंबर्स के लिए एंड ओके करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर जो हैं वो बेसिकली रेड कलर में आने लगे हैं। उनके साथ माइनस साइन भी हट गया क्योंकि ये एक्सेल का स्टाइल है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो आपको रेड कलर में शो की जाएगी। फिर करते हैं कंट्रोल वन। या फिर एक स्टाइल होता है हमारे पास अकाउंटिंग में नेगेटिव नंबर्स को शो करने का, वो होता है पैरेंथेसिस में। जो भी नंबर पैरेंथेसिस में होगा वो एक्चुअली में एक नेगेटिव नंबर कहलाता है। सो मैं अगर इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू थी वो अब पैरेंथेसिस में शो की जा रही है 34.00। ये भी एक्सेल का एक स्टाइल है कंट्रोल वन। या फिर आप इसको पैरेंथेसिस में शो करना चाहें रेड कलर में, वो भी पॉसिबल है। आप देख सकते हैं अब ये रेड कलर में आ रहा है पैरेंथेसिस में। सो नंबर फॉर्मेट बेसिकली एक अच्छा फॉर्मेट है, आपके नंबर्स को कन्वर्ट कर सकता है इनटू डिफरेंट स्टाइल्स विद डेसिमल्स एंड विद रेड कलर कम्बिनेशन विद कॉमा सेपरेटर, थाउजेंड जो एक्चुअली सेपरेटर है। सो इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं एज कम्पेयर टू जनरल ऑप्शन। सो मैंने आपको बता दिया अगर आप यहाँ से करना चाहें तो वो भी ठीक है और अगर आप इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल वन करेंगे और फिर यहाँ से आके डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आप तो यूटिलाइज कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही था। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लें, मैं आपको आंसर कर दूँगा। थैंक यू।